अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नसीन किचन एंड ब्लॉग्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आके है मिलादुन्नबी स्पेशल चावल की खीर। ये देखिए, ये बासमती चावल है। इसको अच्छे से धो के इसको भिगा दी मैं। एक आधी गिलास के जितना बासमती चावल है और थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, ये भी पानी में भिगा दी। और ये देखिए, एक कटोरी भर शक्कर है ये, और एक लीटर दूध गर्म होने रखी मैं। इधर दिखाओ गैस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लीटर दूध है ये, गैस पे चढ़ा दी इसको गर्म होने के लिए। अब इसको गर्म होने देंगे इसको। ये देखिए, दूध गर्म होने तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चावल को दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसको एकदम पेस्ट नहीं करना है, एकदम दरदरा सा इसको ग्राइंड करूँगी। इसको ग्राइंड करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम दरदरा सा पीस लेने का है इसको। अब इसको ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दरदरा सा पीस लेने का है। देखिए एकदम अच्छे से दरदरा सा हो गया है। अब इसको दूध में ऐड करेंगे। इसमें पहले सबसे पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे। डायरेक्ट ऐड करने से इसके गोटियाँ बन जाते हैं। देखिए, चलिए अब गैस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध खौलने लगा अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे ये पीसे हुए चावल, जो भी है इसमें डाल देंगे सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीसे हुए चावल ऐड करी। इसको चावल को अच्छे से गलने देंगे इसको। तब तक गलने के बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे। पहले ही शक्कर ऐड करेंगे तो चावल नहीं गलेंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी में काजू और बादाम इसको भी पीस लेंगे। इसको इसी में थोड़ा पानी ऐड करके पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं माशाल्लाह। और इसी में ऐड करेंगे शक्कर। ये देखिए, आपको जितना मीठा चाहिए उतना मीठा देख के ऐड कीजिए। और उसी के साथ ऐड करेंगे, इधर ऊपर देखो, ये काजू बादाम का जो पेस्ट है ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू बादाम का पेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे जाफरान के पत्तियाँ थोड़े से। मावा ऐड करने से खीर में अच्छे से कलर आता है, ये शाही खीर बन जाती माशाल्लाह। देखिए, इसको थोड़ा सा दम पे रख देंगे। अब हमारी खीर बनके तैयार है। मैं आपको दिखाऊंगी पूरी बनाने का, चोबे की पूरी बनाऊंगी इसके साथ, खीर के साथ। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फुल वॉच कीजिए। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी अब पूरी की रेसिपी, चोबे की पूरी। देखिए फ्रेंड्स, चोबे की पूरी के लिए आटा एक कटोरी से दो कटोरी मैदे का आटा ली, एक आधा कटोरी गेहूँ का आटा ली। अब चाहे तो पूरे मैदे के आटे से बना सकते। थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करेंगे तो अच्छा क्रिस्पी बन रहता उसमें। मैदे के आटे से जल्दी नरम हो जाती पूरी। और इसी में ऐड करेंगे एक चिटकी नमक। और इसी में ऐड करेंगे घी। देखिए, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच घी ऐड करी में। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है आटे में। अब इसी में ऐड करेंगे पानी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस आटे को मिला लेंगे। इसको मिला के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है। अब इसको बाजू रख देंगे इसको, और मैं आपको चोबा बना के दिखाऊंगी। इसको ढक्कन डाल के रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चोबा 200 का
खोपरा लेके इस तरीके से ग्रेड करी में ये चोगा बन गया। इसमें यही इलायची पाउडर ऐड करी। अब इसमें ऐड करेंगे शक्कर। सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, और इसी में ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर देख के ऐड करेंगे फ्रेंड्स। आधी कटोरी है ये। अपनी खीर भी मीठी रहती पूरी के हिसाब से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चोबा बन के तैयार है पूरी के लिए। अब चलिए पूरी बना के इतने की तैयारी करेंगे। ये मिक्स हो गया, अब इसको रख देंगे बाजू। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी के लिए इस तरीके से पेड़े बना के रख दिए मैं, माशाल्लाह। ये देखिए सभी। अब चलिए अब इसको बेलेंगे पूरी को। मैं इसको बेल के दिखाती मैं आपको। हमारी पूरी बेली में अब इसमें ऐड करेंगे ये चोबा। ये देखिए आपको जितना चाहिए उतना ऐड करिए। अब इस सुई को इस साइडों में पानी लगा लेंगे इसको। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब फोल्ड करके, ये देखिए फ्रेंड्स इसको बनाएंगे अब डिजाइन इसका। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पहली पूरी बन के तैयार है चोबे की, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी। अब इसको रख देंगे इसमें बाजू। इसी तरीके से और भी पूरी हम बेल लेंगे। ये देखिए इसको बेल के फिर से दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स एक और पूरी, और इसमें डाल लेंगे चोबा। अब इसको लगा लेंगे अतराफ से पानी। देखिए इस तरीके से अब इसको फोल्ड कर लेंगे इसको। स्पोक से डिजाइन ये देखिए इस तरीके से कट बिठा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसको बीच में से इस तरीके से इसको अंदर कीजिए। एक और डिज़ाइन आएगा इसमें इस तरीके से। ये देखिए आप रखी का भी इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन पूरी का माशाल्लाह कितने अच्छे से आया है। इसी तरीके से ये बाकी के पूरी भी बना के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है, इसमें पूरी ऐड करेंगे। देखिए एक और पूरी डालूंगी, इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे इस तरीके से। इसको हल्के से पलट लेंगे और इसको होने के बाद दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। इसको इसको निकाल के बाकी के पूरी ऐड करेंगे। पूरी बाकी के भी इसमें तेल में डालेंगे इसको। इसमें चलिए फ्रेंड्स अब ये पूरी होने के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे शाही खीर और चोबे की पूरी बनके तैयार है, माशाल्लाह एकदम बेहतरीन बनी है खीर और पूरी। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। मिलादुन्नबी स्पेशल चोबे की पूरी और खीर बनाई में। और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए, आप लोगों की सबकी दुआ है तो बहुत जल्द 1K हो जाएगा। 1K के करीब में छे हम लोग इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरी ये खीर पूरी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ज़रूर लाइक कीजिए। देखने के बाद इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे अगले रेसिपी के साथ या अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।